आईफोन 13 से रिलेटेड एक बार फिर से आपके लिए एकदम फ्रेश अपडेट्स मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन और वीडियोस की तरह आज मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ये अपडेट्स आपको न्यू आईफोन 13 सीरीज के लिए एक्साइट कर सकते हैं। उल्टा जब मेरे पास ये अपडेट्स आई तो मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन अपनी लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने प्रिडिक्ट करी थी और वही हमें आज की जो अपडेट इस टाइम पे आईफोन 13 से रिलेटेड आ रही है वही सारी चीज़ें हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माई चैनल जिसपे हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ चल रहा है सब्सक्राइबर गोल ओनली 4000 सब्सक्राइबर का, और इस वीडियो के नीचे आप जाके देख सकते हैं जिसके हम काफी ज्यादा नजदीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें 150 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना एंड हो सके तो इसे एंड तक देखना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट की बात कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी लोगों के साथ आईफोन 13 अपडेट से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आईफोन 13 सीरीज एक बार फिर से पहला ऐसा डिवाइस होने वाला है एप्पल लाइनअप के अंदर जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला जो पैनल है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ प्रेडिक्शन मैंने करी थी, वो ये कि मुझे थोड़ा सा शक था कि आईफोन 13 जो स्टैंडर्ड होने वाला है उसके अंदर ये सपोर्ट शायद हमें देखने को ना मिले, क्योंकि हर बार एप्पल जो स्टैंडर्ड फोन है उसमें कुछ ना कुछ कमी रखता है जिसकी वजह से लोग जो अपर मॉडल हैं उसकी तरफ जाते हैं। और आज ये चीज बिल्कुल 95% तक कंफर्म हो चुकी है कि आईफोन 13 जो स्टैंडर्ड होने वाला है उसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, एकदम लिमिटेड रहेगा प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के लिए। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि इसका आपको पता है कि प्राइस एक बार फिर से आईफोन जो 12 लॉन्च हुआ था उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा, इस बार लॉन्च जो प्राइस थी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, और उसके बावजूद जो आईफोन 13 इसका प्राइस और ऊपर जाएगा और जो आपको फीचर्स है जो बेसिक फीचर आज के टाइम पे 20,000 रुपए के फोन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं AMOLED प्लस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, वो चीज आपको 80,000 या 85,000 रुपए के फोन के अंदर भी अभी भी आपको 2021 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आईफोन 13 और 13 प्रो मॉडल वाले की जो लीक्ड इमेजेस है इस टाइम पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो कैमरा हाउसिंग है आईफोन 13 प्रो के अंदर वो थोड़ी सी बड़ी है रेगुलर आईफोन 12 प्रो से। और वहीं बात करें आईफोन 13 की तो आप देख सकते हैं डायगोनली कैमरा सेटअप इस बार आपको दिया गया है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, कैमरा के जो सेंसर हैं इस बार हमें बड़ा करके देने वाले हैं और इस चीज की कंफर्मेशन इस टाइम पे बिल्कुल आ चुकी है। कैमरा से रिलेटेड यही अपडेट मेरे पास आई है जो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपको आईफोन 13 सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे प्रो या प्रो मैक्स वाला हो, तीनों फोन के अंदर ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। अल्ट्रा वाइड कैमरा जो आपको देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का, इस टाइम पे आपको मिलता है 2.4 अपर्चर का, लेकिन वो थोड़ा सा जो सेंसर है उसे बढ़ा करके 1.8 दे दिया गया है जिसके वजह से जो सेंसर है उसका साइज बढ़ा हुआ है, और ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि आईफोन 13 का जो कैमरा सेटअप है वो डायगोनली प्लेस इसीलिए करा गया है। अब अपर्चर बड़ा होने से क्या होता है, जितनी ज़्यादा लाइट आपके कैमरा सेंसर के अंदर आएगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छी और क्लियर वाली इमेजेस देगा चाहे दिन में हो, और इसका जो अपर्चर का खेल होता है वो रात में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप नाइट टाइम में अपनी नाइट फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो जितना अपर्चर आपका बड़ा रहेगा उतनी लाइट आपके कैमरा के अंदर आएगी और उतनी बढ़िया आपको नाइट फोटोग्राफी करा के ये फ़ोन दे देगा। तो कैमरा का जो मेगापिक्सल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, मैंने आपको पुराने वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन हाँ जो हाउसिंग है कैमरा की और जो सेंसर है उसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जो अपर्चर साइज है वो भी 2.4 से बढ़ा के 1.8 कर दिया गया है। और अपडेट में आईफोन 13 से रिलेटेड आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, पहली ये कि हमें नया 5G मॉडेम देखने को मिलने वाला है आईफोन 13 सीरीज के अंदर। अब जहां अपडेट करने की जरूरत नहीं थी वहां पे आईफोन जो है अपडेट हो रहा है, क्योंकि आईफोन 12 सीरीज के अंदर जो 5G मॉडेम हमें मिलता था वो भी ढेर सारे 5G के जो बैंड है उसे सपोर्ट करता था। इंडिया के अंदर इस टाइम पे 5G नहीं आया है, लेकिन ये चीज भी अच्छी है कि अगर हम फ्यूचर के हिसाब से सोचें तो आपको 2021 का जो सबसे अपडेटेड 5G मॉडेम है वो आपको आईफोन 13 के अंदर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ रूमर्स यूट्यूब पे चल रही थी तो वो चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे डिस्प्ले में नॉच ना आके पंच होल डिस्प्ले जो है वो मिलने वाली है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये बिल्कुल फेक है। 2022 के अंदर हमें पहला आईफोन ऐसा मिलेगा जो कि पंच होल के साथ आएगा, लेकिन आईफोन 2021 के अंदर जो आईफोन 13 सीरीज है इसके अंदर चाहे कोई सा भी मॉडल लॉन्च हो इसके अंदर हमें नॉच जरूर देखने को मिलेगी। भले ही जो नॉच है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो थोड़ी सी स्मॉल हो सकती है अगर कंपेयर करें पुराने किसी भी आईफोन से, लेकिन फिलहाल हमें नॉच तो जो है
वो पक्का देखने को मिलेगी। जितनी भी लीक्स और अपडेट थी वो सारी जितनी जल्दी हो सकता है मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर कर दिया है। और मेरे ख्याल से यूट्यूब में अभी तक कोई इन अपडेट के साथ वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। इसी बहाने जो हमारा सब्सक्राइबर गोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।